नमस्कार प्रशांत जी मैं एस आर सी सी का स्टूडेंट हूँ हनी देवल मेरा नाम है नाम इसलिए बता रहा हूँ ताकि नेशनल न्यूज़ पे पहुँच जाए एंड मेरे दो प्रश्न हैं सबसे पहले तो मैं आपकी अपने हृदय की गहराइयों से बहुत सराहना करना चाहता हूँ जो आपका जन स्वराज जो मूवमेंट है मैं इसके बारे में पढ़ रहा हूँ उसको फॉलो कर रहा हूँ आपको सोलह सत्रह महीना हो गया उसको करते हुए सो मैं उसकी बहुत सराहना करता हूँ अपनी पर्सनल कैपेसिटी में जो भारतीय जनता पार्टी है वो जो युवा है उनको जॉब देने में इतनी सक्सेसफुल नहीं रही है तो उसको ये पार्टी कैसे बैलेंस करती है इलेक्शंस में यूपी में भी अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं सेंट्रल लेवल पर भी कर जाते हैं एंड ये भी नेगेटिव बताते हैं कि जो यंग पॉपुलेशन है वो काफ़ी है देश में इस वोट को ये बैलेंस कैसे कर पाते हैं पहला प्रश्न ये है एंड दूसरा प्रश्न मेरा आपसे रिलेटेड ही है पिछले तीन चार महीने में ये मैं काफ़ी नोटिस कर रहा हूँ ऑन ए पर्सनल लेवल कि आप बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दे रहे हैं टीवी न्यूज़ चैनल्स वालों को सो so, बुरा मत मानिएगा बट मैं जानना चाहता हूँ कि आप रिलीवेंट रहने की कोशिश कर रहे हैं इलेक्शन टाइम पे थैंक यू वेल well, देखिए सवाल तो सवाल आप है आप ये नहीं कह सकते कि सिर्फ हम मीडिया वाले टफ सवाल पूछते हैं स्टूडेंट सवा, सवाल तो सवाल है वो बैलेंस करने के लिए सवाल करने की जरूरत नहीं है आपने कहा कि अगर सारे लोग नाराज हैं तो सरकार जीत क्यों रही है भाई सरकार जब पिछली बार जीतकर आई 2019 में 100 लोग जो वोट देने गए उसमें से 38 लोगों ने सरकार के पक्ष में वोट दिया मोदी जी के पक्ष में वोट दिया 62 लोगों ने नहीं दिया तो मेजोरिटी तो उस समय भी सरकार के से कन्विंस नहीं थी तो अगर युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा है तो आज भी अगर वो नहीं देंगे लेकिन वो जो बासठ है वो किसी एक जगह नहीं है वो बिखरा हुआ है उसको कोई गैलवेनाइज नहीं कर पा रहा है इसलिए सरकार को उसका फ़ायदा है दूसरी बात आपने कही कि मैं रेलिवेंट होने की कोशिश कर रहा हूं तो मैं तो रेलिवेंट था मैंने अपने आप को रेलीवेंट बना दिया है मैं जो काम करता था उसको छोड़ दिया दो अक्टूबर 2022 से 2023 तक तो मैंने गाड़ी पर पैर नहीं रखा मैं गांव से बाहर नहीं निकला फिर लोगों ने ये कहा कि भाई एक साल ये पूरी ईमानदारी शुद्धता से हो गया अब पदयात्रा तो आपको दो साल और करना है कम से कम अपने अनुभव बताइए कि आप क्या कर रहे हैं तो कुछ लोग जैसे नाविका जी भी वहाँ कैंप में आई थी कभी कभी लोग यहाँ भी बुला लेते हैं तो महीने में मैंने अब चार से पाँच दिन निकाले हैं कि मैं बाहर आकर उन लोगों से मिलूंगा जो जनसुराज के बारे में पूछना चाहते हैं या उस समझना चाहते हैं मेरे अनुभवों से का, के बारे में चर्चा करना चाहते हैं मुश्किल यह है कि मैं आया हूं यहां जन जनसुराज की बात करने लेकिन आप ये सोच पूछना चाह रहे हैं कि मोदी जी का क्या होगा किसको वोट मिलेगा तो आप तो उसी नजरिए से देख रहे हैं मैं तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकता हूं मैं अपना काम कर रहा हूं और ये तय किया हुआ है कि दो बरस लगे पांच बरस लगे दस बरस लगे काम मुझे वही करना है जो मैं बिहार में कर रहा हूं इन बिटवीन लोकसभा का चुनाव है नाविका जी का तो ये पूछना है भैया लोकसभा चुनाव में क्या होगा राहुल गांधी ने क्या बोला उस पर बताओ राहुल गांधी में, में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है मेरी दिलचस्पी नरेंद्र मोदी में नहीं है मेरी दिलचस्पी बिहार में को लेकर है मेरी दिलचस्पी बिहार को बेहतर कैसे बनाया जाए इसको लेकर है प्रशांत किशोर जी आपने कहा आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है राहुल गांधी पर अब इस पर मेरा भी सवाल नहीं मोदी जी में भी नहीं है उनमें इंटरेस्ट था तब उनके साथ काम किया

ना राहुल गांधी में इंटरेस्ट है ना मोदी जी में इंटरेस्ट है मेरा किसी भी नेता में किसी भी पॉलिटिकल फॉर्मेशन में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि जिन नेताओं के साथ मेरा इंटरेस्ट रहा वो दस साल काम किया करके देखा सीखा सिर्फ नेताओं और दलों के जीतने से मेरा अपना मानना है समाज के स्तर पर आमूल परिवर्तन की अपेक्षा रखना बेमानी है बहुत सही कहा और जनता के कुछ और सवाल हैं ट्विटर पे आपके लिए बहुत सवाल आए हैं सोशल मीडिया पर सवाल पूछे जा रहे हैं हमारे ईमेल्स पर आ रहे हैं नजर एस धालीवाल पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी इफ बीजेपी विंस 2024 इलेक्शंस आप बता सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट यानी कि सी बी आई ई डी ई सी आई इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ह्यूमन राइट्स कमीशन माइनॉरिटी कमीशन रहेंगे इंडिपेंडेंट या नहीं निश्चित तौर पर जब भाजपा अगर जीत कर आती है मोदी जी के नेतृत्व में तो जो भी देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था बनी हुई है जो उसके की कंपोनेंट्स हैं बड़े इंस्टीट्यूशन हैं दे विल कंटिन्यू टू वी कैन फर्दर और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मोदी जी के लिए भाजपा के लिए है लेकिन देश ने पहले भी देखा है कांग्रेस के राज में जब इंदिरा जी की ही अकेले तोती बोलती थी तो आपने देखा है इलेक्शन कमीशन कोर्ट्स या मीडिया की हालत क्या थी और आज भी जब मोदी जी के ही नाम पर सब कुछ हो रहा है तो स्वाभाविक है कि वो आपको दिख रहा है कि भाई इलेक्शन कमीशन या जुडिशियरी या मीडिया में उन लोगों का दबदबा है जो भी सत्ता में रहता है उसको थोड़ा अनड्यू एडवांटेज इस चीज का होता ही है लेकिन मैं दोनों बात कहना चाह रहा हूं कि जो बात राहुल गांधी या कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि मुझे आप इलेक्शन कमीशन मीडिया जुडिशियरी दे दो मैं चुनाव जीत जाऊंगा इनको इंडिपेंडेंट कर दो तो हम लोग चुनाव जीत जाएंगे ये बहुत मुझे लग रहा है कि सुपरफिशियल बात है कोई उलट के पूछ सकता है भाई 2014 में आप ही सरकार में थे तब तो मीडिया जुडिशरी इलेक्शन कमीशन सब पर आपका प्रभाव था तब आप चुनाव कैसे हार के पचास के नीचे आ गए जनता बहुत होशियार है वो अगर दिल्ली में मोदी जी को वोट देती है राज्य में उनके विरोधी को जिताती है ताकि बैलेंस बना रहे आप गांव देहात में जाकर पूछ लीजिए लोगों से पूछिए भाई मोदी जी को दिया था लोकसभा में वोट विधानसभा में उनके कहने पे क्यों नहीं दिया तो लोग मजाक में कहते हैं भैया एक ही आदमी को सब पावर थोड़ी ना दे देंगे एक और बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है अतुल कुमार सिंह का नोएडा से अगर राहुल गांधी 2024 में भी बुरी तरह हारते हैं तो उन्हें क्या करना चाहिए क्या उन्हें संन्यास ले लेना चाहिए मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि तीन बार अगर किसी को पब्लिक रिजेक्ट कर देती है फिर भी क्या वो सामने आना चाहिए एक ऑल्टरनेटिव बनके? नहीं आना चाहिए मतलब ये तो अगर आप फिर वही दुनिया भर के जितने डेमोक्रेटिक प्रैक्टिस हैं वहां एक तरीका है कि भाई आप एक मौका आपको मिले दो मौका मिले लेकिन ये दोनों साइड से लागू होता है दुनिया में ये भी प्रैक्टिस है कि आप 10 साल जीत कर आ गए आपने शासन चला लिया अब मौका किसी दूसरे को दीजिए तो ये बात मोदी जी पर भी लागू होती है भाई तीन बार जीत के आ गए अब जीवन भर मत रहिए किसी दूसरे को दीजिए राहुल गांधी पर भी ये लागू होता है कि भाई आप पंद्रह साल विरोध में रह लिए आप नहीं आपको सफलता मिली किसी दूसरे को मौका दीजिए ताकि वो विरोधी पार्टियों का या विरोधी आइडियोलॉजी का या काउंटर आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट कर सके मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि ये दस साल का जो रूल है ये लागू होना चाहिए देश में पक्ष और विपक्ष दोनों पर आपने सवाल राहुल जी के लिए पूछा है मैं दोनों के लिए कह रहा हूं कि सत्ता और विपक्ष दोनों में जो चेहरे है उनको दस साल पंद्रह साल का मौका मिलना चाहिए अगर दस साल आप सत्ता में रह के नहीं कर पाए पंद्रह साल नहीं कर पाए तो अब किसी दूसरे को करने दो या जो किया वो करने दीजिए किसी दूसरे को मौका दीजिए इसी तरह विपक्ष में भी ये होना चाहिए कि आपको एक टर्म विपक्ष में रहने का मौका मिला दो बार मिला, तीन बार मिला अक... मिला तीन देखिए चार नाम बताती हूं से कौन उनको रियल चैलेंज दे सकता है फॉर अ प्राइम मिनिस्टरियल रोल राहुल गांधी प्रियंका गांधी वाड्रा ममता बैनर्जी अरविंद केजरीवाल <laughs> <laughs> देखिए जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बनाए जाते हैं उसमें रहता है ऑफ या अदर्स वो ऑप्शन रख के चलिए जो भी आदमी जो आदमी भी पांच साल जमीन पर उतर के मेहनत करने को तैयार हो वो मोदी जी को बड़ी चुनौती दे सकता है ये भ्रम मत पालिए आप लोग कि मोदी जी को कोई हरा नहीं सकता है या ये इतने पॉपुलर हैं कि कोई इनके सामने खड़ा नहीं हो सकता है मोदी जी को हराया जा सकता है हराया गया है पिछले दस वर्ष में और आगे भी हरा, लोग हराएंगे आज की परिस्थिति में जो प्राइम मिनिस्टर है जो इतने बड़े पद पे है इतनी बड़ी बहुमत उनको है तो ऐसा हमेशा लगता है लोगों को ऐसा ही लगा होगा कि राजीव गांधी को कोई नहीं हरा सकता जब उनको 400 सांसद थे भाई साहब कृष्ण जी तो नहीं उतर के आएंगे ना इन्हीं में से चुनना पड़ेगा अभी तो प्रेजेंट ठीक बात यही ऑप्शन बात है मान लीजिए कि यही डिबेट हम लोग उन्नीस में कर रहे होते तो कोई ज्ञानी आदमी यह बता सकता था कि जेपी सतहत्तर साल के कोई एक आदमी है जो कि इंदिरा गांधी को चुनौती दे देंगे अगर ये डिबेट हम लोग यही बहस हम लोग नाइनटीन में कर रहे होते तो कोई बता सकता था कि राजीव गांधी के कैबिनेट में एक बीपी सिंह है जो कि राजीव गांधी को हरा देंगे ये बातें आप रेट्रोस्पेक्ट से बताते हैं कि जेपी ने हरा दिया कांग्रेस की जब अपनी तूती बोलती थी तो पूरे देश में चार हजार से ज्यादा विधानसभा है वो जमाना भी मैं आपको बता रहा हूं चार हजार में पच्चीस सौ से सत्ताईस सौ विधायक कांग्रेस के होते थे आज भाजपा के बहुत अच्छे जब टाइम होते हैं तो सोलह सौ सो, सत्रह सौ विधायक होते हैं और आप लोग ऐसे बता रहे हैं जैसे लग रहा है कि इनसे बड़ा कोई लीडर ना कभी देश में पैदा हुआ ना आगे कोई पैदा होगा जो सत्ता पर बैठता है ऐसा ही लगता है यही मीडिया यही कमेंटेटर, यही राजनीतिक विशेषज्ञ 2009 में बता रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से बड़ा कोई नेता देश में है नहीं आज वो बता रहा है कि ऐसा है नहीं सामान्य पब्लिक इस तरीके से नहीं देखती है मैंने मैंने ऐसा सवाल पूछा पूछा आपसे आज की कहा में। आपने आप कहा बता रहे यहां जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं चैलेंज कोर्स दे सकता है बट दैट इज अरेटिकल आंसर प्रैक्टिकल आंसर इज टू बी रियलिस्टिक आंसर कि अगले दो या तीन महीने में जब चुनाव होकर आएंगे तो इन्हीं में से कोई देगा कोई नया फरिश्ता आएगा ये सवाल आप, है मेरा आप, आप, इन्होंने सवाल आप, का जवाब दिया या नहीं दिया नहीं, पहले तो ये बता दीजिए आपने नहीं मैं, दिया मैं, अब आप बताइए आपने ये कहा कि कृष्ण भगवान को आना पड़ेगा मैं उस पर उल्टा कह रहा हूँ कि किसी को ऊपर से आने की जरूरत नहीं है इस देश में इतने लोग काबिल लोग हैं दो में ये होता नजर आ रहा है चौबीस में शायद नौ हो पाए उससे क्या फर्क माय क्वेश्चन आई रेस्ट माय केस लेटमी मैच आप किसी से हार गए ये टी ट्वेंटी था. टी ट्वेंटी हार गए इसका मतलब ये नहीं कि उस टीम को हराया नहीं जा सकता दोनों में फर्क है बिल्कुल आप ये कहिए कि इस मैच में ये आदमी जीत रहा है ये मत कि की इस टीम को हराया नहीं जा सकता दोनों में फर्क ईवीएम पर भरोसा रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए अगर रक, अगर भरोसा नहीं है तो उस पर आंदोलन करना चाहिए ड्राइंग रूम में बैठ के बात नहीं करनी चाहिए आखिरी सवाल जो आपसे पूछूंगी 2024 में जो चुनावों का नतीजा होगा वो इंडिया अलायंस के फेवर में होगा यानी कि वो साथ आकर वोट ना कटे और एक यूनाइटेड ऑपोजिशन मोदी और बीजेपी को चैलेंज कर सके इस पर इट्स टू लेट फॉर इंडिया अलायंस टू डू दैट उसका कोई फायदा नहीं है वॉट दोज आर अपोज टू बीजेपी आई विल से यू मस्ट नॉट गेट स्वेड अवे विद दिस आइडिया की अब मोदी जीत गए तो इसके बाद देर इज नॉट टू मोरो आई थिंक हु आर द की स्टेक होल्डर दे शुड फाइट ट्वेंटी ट्वेंटी फोर विथ ऑल द माइट दे हैव बट दे मस्ट

तो मतलब कमाल है। आप ये ना करें आप स्लोगन और 370 के नारों से चुनाव जीतिए जनता को डराइए मत बीजेपी ये चाहती है कि सब लोग ये मान लें कि भैया आप कोई डिसेंट नहीं है कोई प्रॉब्लम नहीं है नाउ वी आर वी गिव अप तो आप सोच रहे हैं बीजेपी ने ऐसा सोचा है कि अरे नहीं रोज कह रहे हैं अब पार्लियामेंट में खड़े होकर प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि भैया अभी से तैयार हो जाओ बड़े निर्णयों के तो बड़े निर्णय डजन मीन के डिसेंट आ, मार दिया जाएगा आप दी, क्या लैपटॉप सेंटर क्या, क्या आपने मोदी का चुनाव लड़ा था प्लान किया था 2014 में और आज आप कह लेकिन, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं कहा था कि बड़े निर्णयों के लिए तैयार हो जाओ मतलब डिमोनिटाइजेशन से बड़ा निर्णय क्या होगा मतलब क्यो? ये देखिए ऐसा है मुझे आर्टिकल थ्री सेवेंटी बड़ा निर्णय गुड बैड मैं आपको बता रहा हूँ गुड और बैड सुनिए ऐसा गुड और बैड फिर आप आगे वापस गुड और बैड और बैड दीजिए सवाल का जवाब तो स्ट्रेट होना चाहिए थ्री सेवेंटी पर बाई लार्ज इस कंट्री में कंसेंसस है उसके फेवर में तो उससे कोई दूर कहाँ है सबने अपोज किया पार्लियामेंट में किसने बोला कांग्रेस पार्टी ने कहा हम आएंगे तो वापस वो रिवर्स कर देंगे जैसे बीजेपी पूरा देश नहीं है वैसे कांग्रेस भी पूरा देश नहीं है लेकिन मेजोरिटी से कानून को पास किया गया है उस आप मुझे उसको घेरने की कोशिश मत कीजिए मैं ये नहीं करना चाहिए मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक व्यवस्था चुनाव का सीजन है तो चुनाव के सीजन में हमेशा सबके दिल में और दिमाग में एक ही सवाल होता है और सवाल यह होता है कि सरकार किसकी बनेगी सीटें किसको कितनी आएंगी और ये खेल तो नहीं कहूंगी पर ये कैसे होता है बिहाइंड द सीन्स क्या होता है ये आपने बहुत करीब से देखा है तो सबसे पहले तो पूछना चाहूंगी आपसे अब की बार 400 पार एक तरफ का नारा है दूसरी तरफ है जाति जनगणना नैरेटिव कौन सा ज़्यादा पारफुल है और आपको अगले आठ हफ्तों में क्या होता नज़र आ रहा है अगले आठ हफ्तों में क्या होगा इसका अनुमान लगा पाना तो मुश्किल है जातीय जनगणना तो निश्चित तौर पर नैरेटिव नहीं है 400 पार तो एक नारा है एक वॉर क्राई कह सकते हैं गोल सेटिंग कह सकते हैं ऑन बिहाफ ऑफ बीजेपी एंड एन एनडीए, लेकिन वो भी पब्लिक का नैरेटिव नहीं है वो तो बीजेपी का अपना स्लोगन है तो आपका जो सवाल है मैं, मुझे नहीं लगता है कि जातीय जनगणना नैरेटिव का हिस्सा है नैरेटिव नरेंद्र मोदी हैं नरेंद्र मोदी की कार्यशैली है उनके सरकार ने जो अचीव किया या अचीव नहीं किया वो है उनकी अपनी विचारधारा है उनके काम करने का तरीका है वो आगे क्या कर सकते हैं उस पर जनता का अपना असेसमेंट जजमेंट है चुनाव उसके इर्द गिर्द होगा लेकिन आपके एक और साथी हैं जो एक और पदयात्रा कर रहे हैं पदयात्रा तो नहीं पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं और वो आजकल कुछ एंग्री यंग मैन की भूमिका में नजर आ रहे हैं राहुल गांधी की बात कर रही हूँ भारत जोड़ो न्याय यात्रा विच इज़ द भारत जोड़ो यात्रा 2.0 जो उनकी चल रही है इसको आप कैसे देखते हैं और इस यात्रा पहली यात्रा के बाद तेलंगाना में उन्हें जीत मिली कर्नाटक में जीत मिली इस यात्रा के बाद हाउ डू यू सी राहुल गांधी इन दिस इलेक्शन सीजन देखिए इस पर मैंने पहले भी टिप्पणी करी हुई है यात्राओं का एक अपना महत्व है यात्रा चाहे आप पैदल करें गाड़ी से करें हेलीकॉप्टर से करें पब्लिक कनेक्ट पब्लिक आउटरीच जो भी पब्लिक सर्विस में है पब्लिक डोमेन में है उसको तो करना ही है अगर आप वैसा कोई प्रयास करते हैं तो उसका निश्चित तौर पर कोई कुछ ना कुछ फ़ायदा आपको होगा लेकिन यात्रा का जो फायदा है वो चुनावी परिणाम में असर उसका इफेक्ट हो जाए ये जरूरी नहीं है इस देश में सबसे चर्चित जो यात्रा रही है वो आडवाणी जी की सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा रही उस यात्रा ने आडवाणी जी को घर घर उनके नाम को पहुंचाया, राम मंदिर को मुद्दा बनाया भाजपा को उनके ग्रास रूट पर कैडर बनाने में मदद करी पर से उस यात्रा से भाजपा चुनाव नहीं जीत गई तो यात्राएं जब आप करते हैं तो आपकी खुद की समझ बेहतर होती है पब्लिक को आपको करीब से देखने जानने समझने का अवसर मिलता है लेकिन उससे आप चुनाव जीत जाए ये जरूरी नहीं है जहां तक राहुल जी की ये यात्रा का सवाल है जैसा कि आपने देखा पहली बार उन्होंने जो यात्रा की उसका फ़ायदा उनको कर्नाटक में अपेरेंटली और तेलंगाना में शायद मिला लेकिन उसी यात्रा का फ़ायदा राजस्थान में मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ में नहीं मिला तो जो बात मैं आपको बता रहा हूं कि उससे राहुल गांधी को कुछ फ़ायदा हो सकता है लोग उनके बारे में बेहतर समझ सकते हैं जान सकते हैं लेकिन वो चीज़ आपके इलेक्शन के परिणाम में कन्वर्ट हो जाए उसके लिए और कई फैक्टर आपके पक्ष में होने चाहिए ये जो अभी यात्रा सेकेंड यात्रा उन्होंने करी है इसका कोई बहुत बड़ा असर मुझे नहीं दिख रहा है एक उसकी एक मेन वजह यह है कि इस यात्रा की टाइमिंग गलत है मैं पहला आदमी हूं जिसने ये पब्लिकली आज से महीने भर पहले शुरू किया कि जिस किसी ने भी इनको सुझाव दिया है इस यात्रा को करने के लिए तो यात्रा की मेरिट फॉर्मेट इम्पैक्ट को छोड़ दीजिए शेयर टाइमिंग जो है वो गलत है इसलिए गलत है कि आप यात्रा कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पर और इसी बीच में आपने इंडिया अलायंस भी बनाया तो इंडिया अलायंस का अगर यात्रा होता तो इंडिया अलायंस के सारे कॉन्स्टिट्युएंसीज के पार्टिसिपेंट होते वो हैं नहीं और यात्रा आप कर रहे हैं कांग्रेस के लीडर के तौर पे और आप इंडिया अलायंस के की कंपोनेंट के एक तरह से कर्णधार हैं कैटलिस्ट हैं तो ये तो ऐसे हो गया कि आप मल्टी कंट्री आर्मी को लीड कर रहे हैं और जब लड़ाई का समय आया तो जो मल्टी कंट्री आर्मी है उसका जो कमांडर इन चीफ है वही हेडक्वाटर को छोड़कर कहीं बाहर है तो जब उनको हेडक्वाटर पे होना चाहिए उनको अलायंसेस फिक्स करने चाहिए सीटों के निगोशिएशन को तय करना चाहिए नेरेटिव पे काम करना चाहिए किन को टिकट मिलेगा इसको तय करना चाहिए रिसोर्स कहाँ से आएगा इस पर तय करना है ये ना करके आप मणिपुर में घूम रहे हैं नागालैंड में घूम रहे हैं बिहार में घूम रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि स्ट्रेटेजिकली और टैक्टिकली दोनों तरह से ये गलत मूव है टाइमिंग के हिसाब से राहुल गांधी कुछ मुद्दे तो उठा रहे हैं उनका कहना है आ, एक पत्रकार से उन्होंने पूछा कि आप कौन सी जाति से हैं आई यू एन ओ बी सी आपका मालिक कौन सी जाति से है आप दलित के बारे में क्या सोचते हैं और ना कोई मालिक दलित है ओ बी सी है फिर वो अगर राम मंदिर का मुद्दा उठाते हैं तो उसमें कहते हैं कि वहाँ अडानी अंबानी जा रहे हैं वहाँ ऐश्वर्या राय डांस कर रही हैं वहाँ कोई दलित ओबीसी नहीं जा रहा और वो ये भी कह रहे हैं कि आप लोग इस देश में जय श्री राम जय श्री राम करते रहेंगे आप लोग वोट कैसे देना है मुद्दे कौन से उठाने हैं ये आप में समर्थ नहीं है ये जो एंगर है ये जो गुस्सा है राहुल गांधी का ये पब्लिक किस कॉन्टेक्स्ट में देखे देखिए हर आदमी का अपना तरीका है अब उनकी टीम ने उनके जो सलाहकार हैं या उनके जो जो भी पार्टी के लोग हैं उन्होंने तय किया है कि इन बातों को वो उठाना चाहते हैं मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस जैसे या किसी भी राष्ट्रीय दल को जाति के आधार पर बहुत बड़ी राजनीति करने का अगर कोई दल प्रयास करेगा तो उसको नुकसान होगा क्योंकि क्षेत्रीय दलों के लिए तो ये फिर भी ठीक है क्योंकि आप अपने एक क्षेत्र विशेष की एक राज्य विशेष की बात कर रहे हैं किसी एक जाति या जाति समूह के पक्ष या विरोध में आप बात कर सकते हैं जब नेशनल पार्टियां नेशनल लीडर्स जाति के आधार पर बात करना शुरू करेंगे तो उसमें इतने इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस हैं कि संभव है कि कहीं पर ओबीसी आपके साथ है कहीं पर ओबीसी आपके साथ नहीं है लेकिन अगर आप नेशनल लीडर के तौर पे ये बात करना शुरू करेंगे तो कुछ जगह पे फायदा हो सकता है और कुछ जगह पे बहुत नुकसान भी हो सकता है कांग्रेस को इससे कांग्रेस जैसे दल को मेरी अपनी समझ है बचना चाहिए जातीय जनगणना होना चाहिए उसको साइंटिफिक साइंटिफिक बेसिस पे उस पर निर्णय हो बात हो वो सब ठीक है लेकिन उसको चुनाव का मुद्दा बना देना कांग्रेस अगर उसको अपना सेंट्रल थीम सेंट्रल मुद्दा बनाएगी तो उसको उसका नुकसान होगा आ, लेकिन आपने कहा इंडिया अलायंस के साथ बातचीत करनी चाहिए मे बी द कांग्रेस कैन टर्न अराउंड एंड से हमने अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस करके सत्रह सीटें ले ली हैं तो हमारी तो सक्सेस है आम आदमी पार्टी के साथ भी आ, दिल्ली में कम से कम चार और तीन पर मामला सेटल होता हुआ नजर आ रहा है Is this ये, a success? ये तो मीडिया का ऑब्सेशन है कि सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ कि नहीं और कौन इसका चेहरा बनेगा मैं बार बार कह रहा हूँ कि इंडिया अलायंस बनना शुरू हुआ जून में सिर्फ दलों के और नेताओं के एक साथ बैठने से एक साथ बैठकर चाय पीने से या स्टेटमेंट देने से कि हम लोग साथ में हैं और साथ में चुनाव लड़ना चाहते हैं या उनके प्रेस वार्ता करने से पब्लिक पे कोई फर्क नहीं पड़ता है पब्लिक पे फर्क तो तब पड़ेगा जब उस अलायंस का कोई नैरेटिव कोई एजेंडा सामने आएगा जो कि पब्लिक का जिससे सरोकार हो व्हाट इंडिया अलायंस इज ट्राइंग टू डू इज कि पहले लीडर्स को इकट्ठा कर लो दलों को इकट्ठा कर लो और उसके बाद नैरेटिव बना लेंगे तो वो मुझे लगता है कि इट इज लाइक पुटिंग द कार्ट बिफोर द हॉर्स टाइम है और इज इट टू लेट डू यू थिंक इंडिया अलायंस वाकई में एक पोटेंट अलायंस है जो मोदी को चुनौती दे सकती है दे सकता था लेकिन उन्होंने सही समय पर इसको बनाया नहीं और जब बनाया उसके बाद जिस सिंसियरिटी से उस आइडिया पर उस नैरेटिव पर काम होना चाहिए था वो काम हुआ नहीं इन्होंने बनाया जून 2023 में कई लोग आप हम लोग सुनते हैं पब्लिक डोमेन में कि मोदी जी ने राम मंदिर का जो ये समारोह था एकदम टाइम डे टू परफेक्शन की जनवरी में किया ताकि चुनाव में उसका लाभ उठा सके मान लीजिए कि इस बात को एक बार को सही मान लें कि चुनाव के लाभ के नज़रिए से ही ये पूरा मंदिर का काम किया गया लेकिन ये वो कर इसलिए पाए कि तीन साल या चार साल पहले उन्होंने ये सोचा होगा कि मंदिर का निर्माण इस गति से कराओ कि वो जनवरी 2024 में हम इसको कर पाए मतलब वो तीन साल चार साल पहले से अपनी चौबीस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप उनसे लड़ रहे हैं विरोधी राजनीतिक विरोधी है तो आपको भी सोच के रहना है कि भैया मंदिर वाला मुद्दा आएगा चौबीस से पहले भाजपा मोदी जी उसको बनाने की कोशिश करेंगे तो इनको भी तो तैयारी तीन साल पहले से सोच के करनी चाहिए थी ये तीन साल बैठे रहे अब चुनाव के छह महीने पहले उठ के इंडिया अलायंस बनाया अब अलायंस बनाने के बाद भी उनका आप वर्किंग आवर देखिए इंडिया अलायंस की जो चार बैठकें हुई हैं जून से लेकर अभी हम लोग बैठे हुए फरवरी एंड में कुल चार इनकी बैठक हुई वर्किंग आवर आप मिलाकर अगर देखेंगे अगर दो दो दिन भी है तो दस दिन सात आठ दिन का टोटल काम हुआ है अगर ये जेनुनली सीरियस थे किसी वजह से लेट बना अलायंस तो किसने रोका था कि जून के महीने में ही सात दिन तक लगातार ये नेता एक साथ बैठे होते जितना काम अभी हो रहा है ये काम जून में हो गया होता अगर राहुल गांधी यूरोप सात दिन जा सकते हैं तो सात दिन बैठकर इंडिया अलायंस क्यों नहीं खत्म उसके सारे जो आयरनिंग आउट जिन विषयों पर करनी थी उसी समय कर लेते कांग्रेस ने यह किया कि इंडिया अलायंस बन गया उसके बाद इनको सफलता मिल गई कर्नाटक में तो इन्होंने सोचा पहले जितने राज्य के इलेक्शन हैं ये हो जाए इसमें इनका अनुमान था कि इनको बहुत बड़ी जीत मिलेगी तो वहां वन अप अपमैनशिप था कि अगर हमें जीत मिल गई तो हम इंडिया अलायंस को डिक्टेट कर पाएंगे या उसकी लीडरशिप हमारे पास रहेगी उसको हम अपने टर्म पर चला पाएंगे इस चक्कर में जून से लेकर दिसंबर तक इन्होंने कुछ किया नहीं जून में नतीजे उल्टे आ गए अब जनवरी में ना माया मिली ना राम समय भी हाथ से निकल गया दूसरे आपकी बात सुन भी नहीं रहे और आपकी अपनी इलेक्ट्रोल हालत खराब हो गई तो जब आपके एफर्ट में ईमानदारी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आपके साथ धोखा होगा ही होगा और परीक्षा आपके छह महीने के बाद है अब आप पूछ रहे हैं भाई क्या करें तो जीते भाई अब कुछ नहीं कर सकते हो जब साल भर आपने पढ़ाई नहीं की तब तो आप भगवान भरोसे गेस, गेस ही तो आप आपको हम एस आर सी सी में बैठे हैं तो आ, पढ़ाई और एग्जाम्स की बात हुई है तो बच्चों के बीच में से यहाँ स्टूडेंट्स हैं एस आर सी सी के आ, कुछ सवाल पूछना चाहते हैं बहुत से हाथ उठ रहे हैं पहला सवाल वहां पीछे जी फार्मर्स का एक रहा है तो मेरा पर्सनल एनालिसिस भी है और मैं आपका भी जानना चाहूंगा कि क्या वो पॉलिटिकली बैक्ड है या डिमांड है उनका एक मूवमेंट नहीं देखिए कोई भी बड़ा आंदोलन होगा तो उसमें पॉलिटिकल फोर्सेस तो पार्टिसिपेट करेंगे ही तो ये कहना कि पॉलिटिकली बैक्ड है उसमें कोई गलती नहीं है ना इधर इथिकली और अदरवाइज अब चूंकि कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल मूवमेंट इसके इर्द गिर्द खड़ा नहीं किया गया है तो फार्मर्स अपने स्तर पर जो प्रयास कर रहे हैं वो आपको पिछले बार दिखा उस समय सरकार को झुकना भी पड़ा कानून वापस लिए इन्होंने जो फार्मर्स के कानून जो तीन फार्म रिलेटेड कानून बनाए गए थे अभी फिर उसका दूसरा वर्जन हम लोग देख रहे हैं आंदोलन इसलिए हो रहा है कि जमीन पर यह मुद्दा है लेकिन सरकार के फेवर में दो बातें एक कि ये लोकसभा चुनाव के बहुत करीब हो रहा है तो अब शायद इतना समय नहीं है कि इनको इलेक्टोरल उसका बहुत बड़ा नुकसान देश स्तर पर हो और दूसरा जो फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं अभी भी लार्जली इट इज पंजाब हरियाणा और वेस्टर्न यूपी का फिनोमिना है पैन इंडिया फिनोमिना नहीं बना है सरकार के लिए यह चिंता का कारण है जितना मीडिया दिखा रही है कि ये मुद्दा ही नहीं है ऐसी बात नहीं है सरकार में जो लोग बैठे हैं उनके हाथ पांव फूल रहे होंगे ये आ, उनके लिए अच्छे साइन नहीं है जो अभी हो रहा है ये अच्छा साइन नहीं है तो अगर कोई डराने की कोशिश कर रहा है तो कोई डरेगा क्या और इस देश में इतनी रेजिलियंस है नहीं 135 नहीं मैं वही बता रहा करोड़ पीपल दिस इज वी आर नॉट द गवर्नमेंट इन पावर एंड सर्टनली नॉट द ऑपोजिशन बिकॉज जो भी होगा देश आगे बढ़ेगा दैट इज द फर्म बिलीफ दैट वी ऑन टाइम्स नाउ टाइम्स नाउ नव भारत पर हम मानते हैं और इसीलिए पब्लिक मंच पर आपके सवाल आपके थॉट लेकर आते रहेंगे क्योंकि देश तो आगे बढ़ेगा ले जाने वाला कौन है ये चुनाव तय करेगा पब्लिक आज हमारे साथ जुड़ी हुई है और प्रशांत किशोर जी आप हमारे साथ आए लंबी बहस हुई अच्छी बहस हुई हमें हर तरह के व्यूज हर तरह के सवालों के जवाब दिए आपने बहुत बहुत धन्यवाद और उम्मीद करते हैं कि जून के महीने में एक और बैठक होगी यहीं पर और फिर इलेक्शन का एनालिसिस